आज है 30 जुलाई 2018। 30 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है सभी को हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। और हमारा चैनल ऑलवेज टू लर्न आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है सभी को हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से विजुलाइज कराने की कोशिश की है। इसलिए आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आपका कोई भी दोस्त आपका जानकार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें इस वीडियो को जितना भी हो सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हुए, इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। मैं आपको बता दूं 2010 में इस दिन की शुरुआत हुई थी, इस डे की मनाने की यहाँ पे उस दिन शुरुआत हुई थी। उस दिन क्या हुआ था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग बाघ समिट थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा। वो क्यों मनाया जाएगा उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि उस समय जो टाइगर्स की जनसंख्या है जो टाइगर्स की जनसंख्या थी वो विलुप्त होने के कगार पे थी। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा। और इस उस समिट में 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। सभी ने ये वादा किया था कि वो 2022 तक जितनी भी फिलहाल जो करंट टाइगर की जनसंख्या है उसको दुगुना करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूँ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ग्लोबल टाइगर फोरम के 2016 के आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ल्ड में विश्व में केवल 6000 टाइगर ही है और जिसमें से 3891 टाइगर इंडिया में है। और 1915 में इन टाइगरों की संख्या थी 1 लाख और फिलहाल जो है 97% इनकी जनसंख्या घट चुकी है। तो आपको यहाँ से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने आर्टिफिशियल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं यूएई, जिसे हम दुबई के नाम से भी जानते हैं। और ये आप फोटो देख सकते हो, उसमें लेफ्ट साइड में आप हमारे यूनियन मिनिस्टर बैठे हुए हैं जिनका नाम है सुरेश प्रभु, जो कि वाणिज्य उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे एम्बेसी में यूएई की एम्बेसी में जाकर ये हस्ताक्षर को ये जो समझौता था इस पर हस्ताक्षर किए गए। और ये जो राइट में बैठे हैं ये है सुल्तान अल फलाही, इनके प्रेजेंस में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये जो समझौता हुआ है इससे क्या होने वाला है, इससे जो अगले एक दशक में दोनों देशों को कम से कम 20 अरब डॉलर का आर्थिक लाभ हो जाए लाभ होने की आशंका जताई गई है। और उसके अलावा यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एनालिटिक्स को इससे तेज़ी से विस्तार होगा इसमें। और जो हमारा डाटा कलेक्टिंग है, जिसे हम कह सकते हैं डाटा संकलन और डाटा प्रोसेसिंग में, इससे क्या होगा, तेज़ी आएगी, जिससे कि हमारा बिजनेस कारोबार जिसे कहते हैं और इनोवेशन में इसको बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पे बात हुई है यूएई की, तो यहाँ पे हम यूएई के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। यूएई का मैप देख सकते हैं, यूएई एक एशियन कंट्री है और इसकी जो राजधानी है जिसे कहते हैं हम अबू धाबी। और यूएई के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी फुल फॉर्म है। और इसके यहाँ के प्रेसिडेंट है जो है खलीफा बिन जायद अल नहान, इनके यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। तो किसी भी कंट्री के बारे में अगर करंट गवर्नमेंट जॉब में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ उस कंट्री की करेंसी, उस कंट्री की कैपिटल और उस कंट्री के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें किसी भी कंट्री की आपको बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किस नदी की सफाई की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये क्या है, इन्होंने यमुना की सफाई के लिए एक समिति का गठन किया है। मैं आपको बता दूं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो करंट अभी चेयरमैन है उनका नाम है ए के गोयल। उन्होंने इस समिति को निर्देश दिया है कि वो सितंबर 2018 तक इसके लिए एक्शन प्लान सबमिट करें और दिसंबर 2018 तक इस पर रिपोर्ट सबमिट करें। तो यहाँ पे बात हुई है यमुना की। यमुना के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यमुना जो है
इंडिया की जो भारत की है सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, और यमुना का जो उद्गम है या कह सकते हैं जहाँ से यमुना निकलती है वो है यमुनोत्री, और ये दिल्ली आगरा से निकलते हुए इलाहाबाद में जाके गंगा के साथ मिल जाती है। और यहाँ पे अगर गंगा के यमुना के अगर ऊपर हम डैम की बात करें तो लकवर नाम का डैम उत्तराखंड में इसके ऊपर है एक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएम मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेश सम्मेलन में 60,000 करोड़ के निवेश में कितनी परियोजना का शिलान्यास किया है? तो इन्होंने किया है ये 81 परियोजनाओं का शिलान्यास। ये एक फ़ोटो देख सकते हो उस सम्मेलन की। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कम से कम 80 जो है उद्योगपति को यहाँ पे आमंत्रित किया था, वो निवेश के लिए उन्होंने यहाँ पे बताया ये जो 80 उद्योगपति है यही इसमें निवेश करने वाले हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि 2 लाख से अधिक लोगों को इस परियोजना से रोज़गार मिलने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन बना? तो ये बने हैं सौरभ वर्मा, और इन्होंने कोकी वतनाबे जो है इनको फाइनल में हराया है। उसके अलावा यहाँ पे जब रूस की बात हुई है तो रूस के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं हम। तो रूस का आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, ग्लोबल मैप में आपको काफ़ी बड़ा एरिया नज़र आ रहा होगा रूस को। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, रूस जो है जिसे इंग्लिश में रशिया कहा जाता है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है। और रूस में अभी मैं आपको बता दूँ फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हो सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के। तो उसमें रूस में जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था जिसमें फ्रांस जीता था और क्रोएशिया उसमें फाइनल में हारी थी फ्रांस से। तो रूस की अगर बारे में अगर हम कैपिटल की बात करें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ की जो करेंसी है रूबल। तो इतनी बेसिक जानकारी आपको किसी भी देश के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर NSTI जिसे कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वोमेन की आधारशिला रखी? तो ये रखी इन्होंने मोहाली में। आप इस इनोग्रेशन की एक फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो है इन्होंने एक पंजाब के पहला ये नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पंजाब में खुला है, और ये डिजिटल इंडिया और कह सकते हैं स्किल इंडिया के तहत ये इंस्टीट्यूट को खोला गया है, और धर्मेंद्र प्रधान ने इसका इनोग्रेशन किया। धर्मेंद्र प्रधान मैं आपको बता दूँ यूनियन मिनिस्टर है। ये कौन से मंत्रालय के? पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय के, और उसके अलावा ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के भी क्या कहते हैं यूनियन मिनिस्टर है। तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शहर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में आप एक फ़ोटो फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने दिखाई है, ये है 3 मूर्ति भवन, इसी में इस म्यूज़ियम को बनाया जाएगा। और इसमें इस म्यूज़ियम को बनाने के लिए जो बजट रखा गया 270 करोड़ का बजट रखा गया है यहाँ पे इसके लिए, और यहाँ पे जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री होंगे इस म्यूज़ियम में उसके रिलेटेड उनकी सारी आपको जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने महिला डब्बे का रंग कौन सा निर्धारित किया है? तो ये इन्होंने किया है पिंक। एक फ़ोटो देख सकते हो ये आप। इंडियन रेलवे ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है कि जो भी महिला कोच होता है किसी भी ट्रेन में उसको अब पिंक कलर से पिंक कलर उस पर किया जाएगा। तो इन्होंने पहला जो एक ये कोच जो है रायपुर रेलवे मंडल ने यहाँ पे अमरकंटक नामक जो ट्रेन थी उसका एक कोच को यहाँ पे पिंक कलर से यहाँ पे इन्होंने कलर किया था। तो पहला इन्होंने इनिशिएटिव इस ट्रेन के एक कोच पे करके इसको जारी किया, और ये आगे इसको इस इनिशिएटिव को आगे कैरी ऑन करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतनी यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन से। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर गो व्हाट्स दैट नामक ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए? तो इन्होंने की है चंडीगढ़ में। पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर है ये।
और इस ऐप से आपको क्या जानकारी या क्या ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है इस ऐप के थ्रू। तो चंडीगढ़ की जितने भी कह सकते हो कि जो टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटन स्थल है, उनकी जानकारी इस ऐप पे मिलने वाली है और 1100 पर्यटन स्थलों की जानकारी इस ऐप पे मिलने वाली है आपको चंडीगढ़ में अगर आप जाते हो। तो इस ऐप को लॉन्च किया है चंडीगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांडिचेरी केंद्रीय, जिसे पांडिचेरी वैसे कहा जाता है, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति, जिसे इंग्लिश में चांसलर के रूप चांसलर कहा जाता है, के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एम वेंकना नायडू को। आप जैसे जानते होंगे एम वेंकना नायडू फिलहाल हमारे उपराष्ट्रपति, जिसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है फिलहाल हमारे देश के। और यहाँ पे पांडिचेरी की बात हुई है तो पांडिचेरी का आप मैप देख सकते हो यहाँ पे, ये ईस्ट में साउथ ईस्ट में पड़ता है थोड़ा सा। और यहाँ पे आप देख सकते हो चेन्नई और कराईकल के बीच में ये इसकी लोकेशन आपको नज़र आ रही होगी। और उसके अलावा यहाँ पे अगर सीएम की बात करें तो नारायण स्वामी यहाँ के सीएम है पांडिचेरी। पांडिचेरी में आपको बता दूँ यूनियन टेरेटरी है, एक हमारे जो देश में 7 यूनियन टेरेटरी है और 7 में से एक पांडिचेरी आती है। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है किरण बेदी। और किरण बेदी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये पहली महिला जो है आईपीएस ऑफिसर रही है इंडिया की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर यहाँ से। किस तैराकी ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है कैथलीन बेकर ने। इनकी आप एक फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हो। तो इन्होंने 58 सेकंड में इस रिकॉर्ड को बनाया है। इन्होंने क्या है कि कायली मैसी, जो कि दूसरे नंबर पे जिसका नाम लिखा है यहाँ पे, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इनका रिकॉर्ड था 58.10 सेकंड का रिकॉर्ड था। और यहाँ पे आपको अब एक बैक स्ट्रोक क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा, तो बैक स्ट्रोक का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, अगर नहीं है पता हो तो। आपको बैक स्ट्रोक जो होता है, जो नॉर्मल स्विमिंग करते हैं वो हमारा पेट नीचे रहता है और पीठ ऊपर रहती है। यहाँ पे क्या है कि दिशा भी ऊपर अपोजिट होगी, मतलब उल्टा आपको तैराकी करनी पड़ेगी और नीचे पीठ हमारा नीचे पानी के कांटेक्ट में रहेगी और पेट हमारा ऊपर रहेगा। तो ये होती है बैक स्ट्रोक स्विमिंग। तो यहाँ पे आपको इतनी इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि विदाउट बेल आइकन को आपको दबाए हुए हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और ये जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो हम डेली इसको डालते हैं, और लाइक ज़रूर करें जिससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है नहीं आई है। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या उसमें बेस्ट लगा क्या बेस्ट नहीं लगा। और शेयर भी करें, जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी है करंट अफेयर्स के लिए तो इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।